नमस्कार, राजस्थान तक के लिए मैं सुरेश फौजदार। मतदान हो चुका है, 3 दिसंबर का इंतज़ार किया जा रहा है, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। किसकी बनेगी सरकार ये 3 दिसंबर तय करेगा। जनता ने इन सभी के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। चिंतित हैं सभी नेता, सभी प्रत्याशी चिंतित हैं, बीजेपी कांग्रेस भी चिंतित हैं, थर्ड फ्रंट भी चिंतित हैं, निर्दलीय भी चिंतित हैं। सभी ने जिस तरह से मेहनत की, पास लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, थक हार करके अब आराम भी कर रहे हैं। लेकिन आराम कहाँ, क्योंकि 3 दिसंबर का इंतज़ार किया जा रहा है। 3 दिसंबर तक टकटकी लगाए हुए हैं, चिंता लगी हुई है क्या होगा हमारे भविष्य का। खासकर पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें, 2018 में पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से यहाँ की जनता ने कांग्रेस को जो पुरजोर तरीके से मैंडेट दिया था और सत्ता में कांग्रेस आ गई थी, बीजेपी का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ पूर्वी राजस्थान से हुआ था। काफ़ी कोशिश की बीजेपी ने, इस बार स्टार प्रचारक मैदान में उतारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरे, तमाम तरह के पूरे राजस्थान में जनसभाएँ आयोजित की, पूर्वी राजस्थान में भी आए, भरतपुर भी आए। बीजेपी को पता है कि 18 में हम सत्ता से वारिस लिए हुए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान से हम खत्म हो गए थे। लेकिन इस बार काफ़ी कोशिश की है, कोशिश में कितने सफल रहेंगे वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो लोगों से बात कर रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उस पर थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। भरतपुर में 7 विधानसभा सीट हैं, लेकिन कुल मिला के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 0 पे रही बीजेपी पूर्वी राजस्थान में 2018 में, इस बार इस चुनाव में 0 से कुछ अंक आगे आ सकती है। और ये बेनिफिट है बीजेपी के लिए अगर 0 से नंबर 2, 3, 4 और 5 पर आती है तो। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से ऊपर आंकड़ों में थी, वो नीचे खिसकती हुई नज़र आती है, लेकिन 0 पर आती हुई नज़र नहीं आती। इसलिए कांग्रेस को भी फायदा है। हालांकि बीजेपी मजबूत हो रही है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। पहले कांग्रेस मजबूत थी, आज बीजेपी थोड़े से अंक भार ऊपर जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी नीचे नहीं आ रही है। मुकाबला टक्कर है, कड़ा मुकाबला दोनों के बीच देखा जा सकता है। ओवरऑल पूरे राजस्थान में भी यही बात सामने आ रही है। पूर्वी राजस्थान पर थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। भरतपुर ज़िले में 7 विधानसभा सीट हैं। बयाना से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 सीट रिजर्व है एससी के लिए, बयाना और वैर। बयाना में निर्दलीय प्रत्याशी ऋतु बनावत काफ़ी मजबूती के साथ जिस तरह से वो उभरी हैं, बताया जा रहा है ऋतु बनावत और कांग्रेस के प्रत्याशी अमर सिंह जाटव के बीच काफ़ी टक्कर रही है जो चुनाव हुआ है। लेकिन ऋतु बनावत के प्रति लोगों में एक सिंपैथी थी, क्योंकि 2 बार से वो चुनाव हार रही थी 5,000 मतों से। एक सिंपैथी ने भी काम किया है, गुर्जर समुदाय ने भी सपोर्ट किया है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो ऋतु बनावत काफ़ी मजबूती से वहाँ उभरी हैं। और बैर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, वजनलाल जाटव पीडब्ल्यूडी मंत्री वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी थे, एंटी इनकम्बेंसी, काफ़ी नाराजगी का सामना भी उनको करना पड़ा इस चुनाव में जो देखने में आया है। बीजेपी के प्रत्याशी बहादुर कोहली को जनता ने सपोर्ट ज़्यादा किया है, इस बात की भी चर्चाएं सामने आ रही हैं, और बहादुर सिंह कोहली काफ़ी मजबूती से वहाँ पे ऊपर उभर के इस चुनाव में आए हैं। तो चिंता का विषय है भजनलाल जाटव के लिए है। भजनलाल जाटव की किस्मत भी दाव पर लगी हुई है, जिस तरह से नाराज़गी मतदान के दौरान देखने को मिली है। नदवई विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। जोगेंद्र सिंह अवाना कांग्रेस प्रत्याशी थे, जगत सिंह बीजेपी प्रत्याशी थे। जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ 5 वर्ष से एंटी इनकम्बेंसी नाराज़गी थी, जातिवाद करने, भ्रष्टाचार करने, तमाम तरह के आरोप जनता द्वारा लगाए जा रहे थे। वो नाराज़गी भी मतदान के दौरान देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जगत सिंह काफ़ी उभरते हुए ऊपर उठे हैं इस चुनाव में, और जो नाराज़गी रही है जनता की, वह जोगेंद्र सिंह अवाना को झेलनी पड़ी है। एजेंट तक नहीं बन पाए बहुत ज़्यादा बूथों पर जोगेंद्र सिंह अवाना के, तो वहाँ जोगेंद्र सिंह अवाना की जो नैया है वो पूर्ण रूप से डूबती हुई नज़र आ चुकी है, क्योंकि जनता की जो नाराज़गी वो उन्होंने अपना साबित कर दिया कि जोगेंद्र सिंह अवाना को रवाना करना, इस तरह का नारा भी उन्होंने बार बार कहा था, ये प्रचलन में था।
इसलिए जोगेन सिंह अवाना की किस्मत भी यहाँ ख़राब साबित हुई है। कामा विधानसभा सीट जो मेव भालवे सीट है, काफ़ी चर्चा में रही। जाहिदा खान जो मंत्री रहीं, कांग्रेस प्रत्याशी भी है, उनको टिकट काटने की, उनको टिकट नहीं देने के लिए जिस तरह से विरोध दिल्ली में प्रखर रहा मुस्लिम समुदाय का, यहाँ टक्कर बताई जा रही है जाहिदा खान और बीजेपी की नौछम चौधरी के बीच। और जाहिदा खान को इसलिए नुकसान बताया जा रहा है क्योंकि मेव समुदाय का ही मुख्तार सिंह भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, उन्होंने काफ़ी वोट खराब किए हैं। इसलिए हो सकता है जाहिदा खान और मुख्तार सिंह दो मुस्लिम प्रत्याशियों की लड़ाई में नौछम चौधरी बीजेपी को फायदा हो सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र वहाँ से थोड़ा पास में ही है, उसकी भी बात कर लेते हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी वाजिब अली, नगर विधानसभा क्षेत्र की इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि मतदान के दौरान चुनाव आयोग से वहाँ नाराज़गी भी सामने लोगों के बीच आई थी, क्योंकि वहाँ जिस तरह से दलितों को पीटने की घटनाएं सामने आई थी, वोट डालने नहीं दिया गया दलितों को, उनको उनके घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, कईयों के सर फोड़ दिए गए और बूथ कैप्चरिंग करने की भी कोशिश वहाँ पे की गई, फर्जी मतदान करने के भी वहाँ आरोप लगाए गए। तो जो माहौल पूरे ज़िले में ज़्यादा गरमाया था वो नगर विधानसभा में गरमाया था। तस्वीरें भी सामने आई थी जो वास्तव में चौंकाने वाली थी, किस तरह से पीटा गया था लोगों को, क्यों बौखलाए हुए थे बीजेपी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, बौखलाए हुए थे क्योंकि दलितों से डर लग रहा था, दलित जो समुदाय है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नेम सिंह, वो काफ़ी मजबूती से उभरे और बीजेपी और कांग्रेस की नैया डुबोने का उन्होंने जिस तरह से काम किया है, तो उनको लगा कि दलित वोट बैंक नेम सिंह को इसलिए मजबूत बताया जा रहा है क्योंकि जाट समुदाय, दलित पूरा समुदाय, सिख समुदाय, माली समुदाय काफ़ी संख्या में नेम सिंह के साथ गया है। इस बार माली समाज ने भी वोट दी है, कुछ वोट, कई हज़ार वोट गुर्जर समुदाय की भी नेम सिंह लेके गया है बताया जा रहा है, काफ़ी वोट मुस्लिम समुदाय की भी नेम सिंह को मिली हैं। तो इस हिसाब से, इस समीकरण से नेम सिंह बहुत ऊपर उभरते हुए नज़र आए हैं और नेम सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी वाजिब अली और बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह बेड़म की नैया कहीं ना कहीं डूबने का नेम सिंह ने काम किया है। और नेम सिंह को बताया जा रहा है कि बहुत ऊपर मजबूती के साथ वो उभर रहे हैं। डी कुमेर की बात अगर हम करें, जहां पूर्व राज परिवार के सदस्य महाराजा बिश्वेन्द्र सिंह कैबिनेट मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी हैं और डॉक्टर शैलेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी, काफ़ी कड़ी टक्कर है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कुछ भी हो सकता है। कई बार से चर्चा चल रही थी कि डी को नया जलान बनाने के बाद कुमेर साइड के जो लोग हैं वो महाराजा से पर नाराज़ थे, हालांकि बनाने की काफ़ी कोशिश की है। तो बताया जा रहा है कि, लेकिन डीग साइड के लोगों ने महाराजा को सपोर्ट किया है, कुमेर साइड के लोगों में नाराज़गी है काफ़ी। डॉक्टर शैलेश सिंह और महाराजा बिश्वेन्द्र सिंह के बीच काफ़ी कांटे टक्कर बताई जा रही है, कुछ भी हो सकता है। अब समीकरण पूरे सामने नहीं आए हैं, लेकिन लोगों की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि महाराजा को नुकसान कुमेर से हुआ है, डॉक्टर शैलेश सिंह को नुकसान डीग से हुआ है, कहाँ किस का नुकसान हुआ, संतुलन क्या हुआ, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तस्वीर बिल्कुल यहाँ से सामने नहीं आ पा रही है, बस एक तस्वीर सामने आ पा रही है, दोनों के बीच कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। भरतपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो बीएसपी के प्रत्याशी गिरीश चौधरी और डॉक्टर सुभाषगढ़ जो कांग्रेस समर्थित आरएलडी के प्रत्याशी हैं, जो मंत्री भी हैं, उनके बीच काफ़ी कांटे की टक्कर है। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में डॉक्टर सुभाषगढ़ उभरते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों से जो बात की है, क्योंकि डॉक्टर सुभाषगढ़ ने दलित समुदाय, जाटव है, हरिजन है, सिख है, माली हैं, गुर्जर है, सभी कोली हैं, सभी जो जातियां हैं, इनकी वोट को उन्होंने लिया है। काफ़ी संख्या में जाट समुदाय के टिकट जो मत हैं वो भी उन्होंने लिए हैं, वैसे समाज के मत भी उन्होंने लिए हैं। इसलिए लोग बता रहे हैं कि सभी जातियों से वोट लेने वाले डॉक्टर सुभाषगढ़ काफ़ी मजबूत है, उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ का समीकरण। तो इस हिसाब से सात विधानसभा सीट में 2018 में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन फिलहाल बैर और नदवई और कामात तीन विधानसभा सीट बीजेपी के लिए जाती हुई दिखाई दे रही हैं, या इसका मतलब है जीरो से तीन नंबर
लेकर आ सकती है बीजेपी, इसलिए बीजेपी थोड़ा मजबूत बताई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस भी कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस को वो फायदा नहीं है, लेकिन कांग्रेस 7 से नीचे आ चुकी है और बीजेपी 0 से 3 तक जा सकती है। इसी तरह से अगर हम धौलपुर की बात कर लें, धौलपुर में शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस की, शिवचरण कुशवाहा जो उनके जीजा हैं वो बीजेपी से, रितेश शर्मा बीएसपी से हैं, जो दोनों का गणित खराब कर सकते हैं और लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रितेश शर्मा और शोभा रानी के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर है और इसमें बताया जा रहा है कि शोभा रानी फिलहाल मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। रितेश शर्मा ने कितना नुकसान किया है किसी को अभी पता नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पर शोभा रानी कुशवाहा मजबूत हो सकती है, लेकिन निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं और कड़ा मुकाबला है वहाँ पर। गिरिराज सिंह मलिंगा के बीच और बीएसपी के, गिरिराज सिंह मलिंगा जो कांग्रेस से थे, टिकट नहीं दी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीएसपी के जसवंत गुर्जर हैं, दोनों के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी दलित नाराज थे गिरिराज सिंह मलिंगा से, लेकिन बताया जा रहा है जो हमने बात की है वहाँ, टक्कर तो कांटे की है, जसवंत सिंह गुर्जर भी मजबूत हैं, गिरिराज सिंह मलिंगा भी मजबूत हैं। अब दलित वोट फैसला करेगा, कुशवाहा वोट वह फैसला करेगा कि कहाँ किसकी तरफ गया है, लेकिन फिर भी गिरिराज सिंह मलिंगा को बताया जा रहा है कि वो ऊपर उठ सकते हैं अगर दलितों को उन्होंने मनाने की कोशिश कर ली हो तो। लेकिन फिलहाल यहाँ कांटे की टक्कर है, दांव पर लगी हुई है गिरिराज सिंह मलिंगा की किस्मत भी। इसके अलावा हम आ जाते हैं राजाखेड़ा से, जो रोहित वोरा हैं, कांग्रेस एमएलए भी थे, प्रत्याशी भी हैं, किस्मत थोड़ी ख़राब बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि वहाँ अशोक शर्मा बीजेपी के उठते हुए नज़र आ रहे हैं। रोहित वोरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराज़गी थी, इसलिए वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होने के चांस हो सकते हैं। बसेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से खिलाल बैरवा को टिकट नहीं दिया था कांग्रेस ने, काफ़ी नाराज़ भी रहे, लेकिन इस बार यहाँ बताया जाए कि संजय जाटव जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सुखराम कोहली बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच काफ़ी कड़े कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी संजय जाटव को यहाँ काफ़ी उठता हुआ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ दलित और जाट और जो भी कुशवाहा वोट बैंक है वो संजय जाटव यानी कांग्रेस को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करौली की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के लाखन सिंह और दर्शन सिंह गुर्जर हैं जो बीजेपी के हैं, दोनों के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी यहाँ कांग्रेस को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दर्शन सिंह को कई जातियों ने वहाँ पर सपोर्ट किया है। हिंडौन सिटी में कांग्रेस को फ़ायदा होने की चांस लोग बता रहे हैं। अनिता सिंह जाटव जो महिला हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी उठती हुई नज़र आ रही, क्योंकि वहाँ हिंडौन सिटी में दलित समुदाय ने काफ़ी सपोर्ट उनको किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस में, करौली ज़िले में कांग्रेस थोड़ी उठती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सपोर्ट राज से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री रमेश मीणा की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। महंसराज मीणा काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सपोर्ट राज से रमेश मीणा की जो नैया है वो डूब सकती है और ये शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। तो मंत्रियों की किस्मत भी काफ़ी दांव में लगी हुई, रमेश मीणा हों चाहे भजनलाल जाटव हों भरतपुर से, इनकी जो पैरों की ज़मीन है वो खिसकती हुई इस चुनाव में नज़र आई है। इसके अलावा अगर बात कर लें तोड़ा भीम से तो वहाँ कांग्रेस के घनश्याम बैर काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं। घनश्याम बैर को इसलिए मजबूत बताया जा रहा है टोड़ा भीम से क्योंकि काफ़ी जो जातियाँ हैं वहाँ सभी जातियाँ उनको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस हिसाब से पूरे आकलन से अगर हम देखें तो पूर्वी राजस्थान का, तो ये देखा जा सकता है कि 0 से 1-2 पर बीजेपी उठती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस जो नंबर ऊपर थी वो थोड़ा सा नीचे होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन टक्कर दोनों के बीच में है। करौली में कांग्रेस ज़्यादा उभरती हुई नज़र आ रही है, बीजेपी भी उठती हुई नज़र आ रही है, और इसी तरह से अगर बात करें धौलपुर की तो वहाँ पे भी बीजेपी कांग्रेस का कड़ा मुकाबला है। भरतपुर की हम बात कर ही चुके हैं कि 2 या 3 विधानसभा सीट बीजेपी को सीधी सीधी सी जाती हुई नज़र दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस का सिर्फ नुकसान ये हुआ है कि एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ जो रही, नाराज़गी जो रही, वो कांग्रेस को भुगतनी पड़ी है।
सरकार की, कांग्रेस सरकार की योजनाओं से लोग खुश हैं लेकिन उनके विधायकों से नाराज़ हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस जो ऊपर थी वो थोड़ा नीचे आती हुई नज़र आती है और बीजेपी जो बिल्कुल शून्य पे थी वो थोड़ा ऊपर उठती हुई नज़र आती है।